सुबह 3-4 बजे टूट जा रही नींद तो समझें प्रकृति दे रही कुछ संकेत, तुरंत करें ये काम। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय 3-4 बजे के बीच नींद अचानक से खुल जाती है। बिना किसी अलार्म या बिना किसी के जगाए लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसे काफी शुभ बताया गया। दरअसल सुबह 3 से लेकर 4 बजे का समय काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस समय कई ऐसी शक्ति हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। क्या करना चाहिए इस समय? अगर आपकी नींद 3 से 4 बजे के बीच खुल रही है तो आपको यह समझना चाहिए कि प्रकृति आपको एक संदेश दे रही है। वह आपको कह रही है कि इस समय आपको उठ जाना चाहिए और इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इस समय सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जिसका लाभ उठाकर आप अपनी जिंदगी को काफी बेहतर बना सकते हैं। उठते ही ये काम करें। इस समय नींद टूटती है तो आप उठ जाएं और अपने इष्ट देवता या फिर अगर आपको कोई साधन बताया गया है तो वह इस समय जरूर करें। इसका लाभ आपको 5 गुना मिलेगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने इष्ट देवता का नाम चुपचाप बैठकर जाप भी कर सकते हैं, यह भी उतना ही फलदायी होता है। जीवन में होते हैं चमत्कारिक बदलाव। कई लोगों की नींद टूटने की बीमारी भी होती है, इसीलिए अगर ऐसा आपके साथ हमेशा होता है तो अपनी बॉडी चेकअप भी करा लें कि आपको कोई समस्या तो नहीं। अगर कोई समस्या के बगैर नींद टूटती है तो समझ जाइए फिर प्रकृति आपसे कनेक्ट होना चाहती है। अगर आप इस समय का अच्छे से इस्तेमाल कर लें तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे। सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में प्रगति, मान सम्मान व प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। अगर आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा भी सीरियस हैं, तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।